इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और मेरे चैनल इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि आज मैं आपको अच्छे एकदम मेकअप के साथ दिख रही हूँ यहाँ पर बराबर, पर कुछ एक लोग हैं ना, उनका सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या आएगा मुझे, क्योंकि वो मुझे हमेशा ही करते हैं, इसलिए मुझे पता है कि क्या आएगा कि वाह, तुम्हें किरण मेकअप करने के लिए इतना ज़्यादा समय मिल गया, इसका मतलब कि तुम अपने बच्चे का ख्याल अच्छे से नहीं रख रही, क्योंकि तुम्हारा पूरा टाइम तो मेकअप लगाने में चला गया, इसीलिए तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पतली है। उसी के साथ क्या बोलेंगे, यार तुम तो खाना भी नहीं बनाती होगी, क्योंकि पूरा टाइम तो तुम्हारा मेकअप लगाने में चला गया होगा। पता नहीं ऐसे कितनी सारी चीज़ें कुछ लोग आकर लिख कर चले जाते हैं, और मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि क्यों माँ के साथ मेकअप की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, क्यों? मतलब अगर एक माँ, एक औरत एक माँ बन गई है तो क्या वो मेकअप नहीं लगा सकती है? उसे मतलब वो खूबसूरत दिखने का हक नहीं है? मतलब मैं ये नहीं बोलती कि मेकअप लगाने से ही आप खूबसूरत लगते हैं, पर मेकअप क्या करता है, आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है और आपकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगाता है, ये तो आप सभी को भी पता है। पर ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों? और मेरी जैसे औरतों को तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उनकी मेंटालिटी पता है, पर कुछ औरतें जिन्हें मेकअप लगाना पसंद है उन पर एक्चुअली इन सब का असर हो जाता है। वो सोचने लगती कि नहीं, अगर मैं मेकअप लगाऊंगी तो लोग मुझे ऐसा बोलेंगे, अगर मैं मेकअप लगाऊंगी तो लोग मुझे बोलेंगे कि ये तो औरत घर का ख्याल ही नहीं रखती है। मतलब चाहे दिन में हम कितने भी काम कर ले, और हम जितने भी काम करते हैं ना घर के, वो बहुत ही खुशी से करते हैं और अपनेपन से करते हैं, ये आप सभी को भी पता होगी, क्योंकि आप भी मेरी ही जैसे एक भारतीय नारी है, इंडियन मॉम है, तो आप सभी को भी पता ही होगा। और भारतीय नहीं, इस दुनिया की किसी भी माँ की बात कर ली जाए तो यही सिचुएशन होती है कि घर के कोई भी काम हो वो खुशी खुशी करती है, कभी उसके मुंह पर आपने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखी होगी जिसे वो नाखुश रहती है, वो एकदम खुशी से ये काम करती है। पर जब बात आ जाती है मेकअप की तो कई लोग पीछे हो जाते हैं, या कई लोग उन्हें पीछे करने की कोशिश कर देते हैं। तो बस मैं आपको इतना बोलूँगी कि मेकअप आपको खूबसूरत बनाता है, मेकअप आपके ब्यूटी में चार चांद देता है, आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है, और अगर आप थोड़ा बहुत मेकअप कर भी लेना तो कोई मतलब वो नहीं है, परेशानी नहीं है। तो अगर लोग आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं और उनसे अगर आप थोड़ा बहुत हर्ट होकर खुद को पीछे रख रहे हैं और अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, तो भूल जाइए इस चीज़ को, और बिल्कुल जाइए, आपको जैसा मेकअप पसंद है वैसा करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगी तब आप अपने परिवार को और ज़्यादा खुश रख पाएंगी। सो मैं ज़रूरी ये नहीं बोलती कि सिर्फ मेकअप करिए, पर आपको जो भी चीज़ करनी पसंद है उसे बिल्कुल मत रोकिए, उसे करिए, और जब आप खुश होएंगी ना, पक्का आपका जो परिवार है ना, आपसे दो गुना तीन गुना चार गुना ज़्यादा खुश हो जाएगा। सो चलिए मैं आपको इस मेकअप ट्यूटोरियल को दिखाती हूँ। जब भी हम माँ बन जाते हैं तो सबसे पहले हम किसी चीज़ को अगर इग्नोर करना चालू करते हैं तो वो है हमारी नेल पॉलिश। आप सभी को पता होगा कि जो नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी होती है वो हफ्तों हफ्तों तक इसी तरह से पड़ी रहती है, और वो बहुत गंदी भी दिखती है, पर इतना समय होता है किसके पास है। तो जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका जो हाथ है वो फ्री है, जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं या फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना रिमूवर ले लीजिए और अपनी नेल पॉलिश को निकाल लीजिए। इस तरह से आपको टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा अलग से, और आपकी नेल पॉलिश भी निकल जाएगी। यहाँ पर मैं फेसेस का ये नेल इनामल रिमूवर यूज़ कर रही हूँ, जो कि एसीटोन फ्री है, विटामिन ई इससे इनरिच है। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा फेवरेट जो रेड शेड होता है उसे लगा रही हूँ, ये है फेसेस कैनेडा का स्प्लैश वाला रेंज, और मैं यहाँ पर रॉयल रूबी 24 लगा रही हूँ। ये जो रेड शेड है मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश कर देता है, और ऐसी चीज़ें हमेशा करनी चाहिए जो आपको खुश कर देती है। तो ये जो रेड शेड है परफेक्ट है एवरीडे के लिए भी, और किसी पार्टी या फंक्शन के लिए भी, और काफ़ी दिनों तक आपके नेल्स पर लगा रहता है। उसके बाद बारी आती है आपके फेस की। यहाँ पर मैं फेसेस कैनेडा का ग्लैम ऑन प्राइम परफेक्ट फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, जो कि कंसीलर का भी काम करता है, जो कि कॉम्पैक्ट का भी काम करता है, और मुझे कुछ और अपने चेहरे पर नहीं लगाना पड़ता। तो ये मेरा समय भी बचाता है और मेरी स्किन को फ्लॉलेस भी दिखाता है, और एक ऐसा मैट लुक देता है जिसकी वजह से आपका चेहरा काफ़ी फ्रेश और काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पर मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ वो है 02 नेचुरल।
उसके बाद आप सभी को पता होगा कि हमारी आईब्रोज जो होती है माँ बनने के बाद काफ़ी लाइट हो जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, इसीलिए आपको उसे हल्का सा भर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि फेसेस कैनेडा का ये अल्टाइन प्रो वाला जो ब्रो डिफाइनिंग पेंसिल है इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी मदद से अपने आईब्रोज को भर रही हूँ। ये बहुत आसानी से अपने आईब्रोज को भरने में मदद करता है, काफ़ी क्रीमी है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और मुझे इसे यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये एकदम नेचुरल वाला लुक देता है। उसके बाद यहाँ पर मैं फेसेस कैनेडा का मैग्नेटिक आई वाला ये आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जिसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से आपका आईलाइनर लगा लेता है ये। और मैं आपको बता दूँ, सेकंड्स में आपकी आंखों पर आईलाइनर लग जाएगा, आपको बिल्कुल भी मिनट नहीं देने पड़ेंगे अपने आईलाइनर को लगाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। काजल लगाना मुझे मेकअप में सबसे ज़्यादा पसंद है। काजल लगाने से मेरी आँखें बहुत उभर के आती है और मेरा मेकअप भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और आप रेगुलर बेसिस पर भी काजल लगा सकते हैं, जो कि आपको एक अलग ही लुक देता है। तो मैं यहाँ पर फेसेस का ये अल्टाइन प्रो वाला इंटेंस जेल काजल यूज़ कर रही हूँ। ये जो इंटेंस जेल काजल है ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, अगर आप एक ही स्वाइप मारेंगे तो भी आपको इंटेंस पिगमेंटेशन आपकी आँखों पर मिल जाएगी। और यहाँ पर एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर भी है जिसकी मदद से आप हल्का सा काजल को स्मच कर सकते हैं, जिससे आपके काजल का जो लुक है और भी खूबसूरत दिख कर आता है। और यहाँ पर मैं अपने आई मेकअप को कंप्लीट करूंगी फेसेस कनाडा के ये मैग्नेटिक ड्रामेटिक वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा की मदद से। ये जो मस्कारा है काफ़ी आसानी से लग जाता है, आपके आईलैशेस को काफ़ी बड़ा बड़ा बनाता है और काफ़ी खूबसूरत बनाता है आपके आँखों को। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 3 लिप शेड है फेसेस कनाडा के, और ये तीनों शेड्स जो है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये है पीच मी 08, जो कि मैं इस समय अपने लिप्स पर लगा रही हूँ। ये जो पीच मी 08 शेड है ये परफेक्ट है एवरी डे के लिए। ये काफ़ी पीची शेड है, एकदम से पिंक भी नहीं है, एकदम से ऑरेंज भी नहीं है, इन बिटवीन है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है अगर आप इसे हर रोज़ लगाते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी ऐसे फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर आपको एकदम बोल्ड लिप्स चाहिए, तो आप फेसेस कैनेडा अल्टाइन प्रो का ये रेड फैंटेसी 19 जो शेड है इसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा लाल कलर है जो कि परफेक्ट दिखता है इंडियन स्किन टोन पर, और मैं जब भी इसे लगाती हूँ मुझे कॉम्प्लीमेंट पक्का मिलते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं नॉर्मल सी डे टाइम के पार्टी में जा रहे हैं या किसी नॉर्मल से फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर एकदम आपको बोल्ड लिप्स नहीं चाहिए, तो वहाँ पर आप फेसेस कैनेडा का अल्टाइन प्रो वाला ये जो शेड नंबर 10 है इसे लगा सकते हैं। ये परफेक्ट पिंक है एवरी डे के लिए या ऐसे कुछ त्योहारों के लिए या ऐसे कुछ फंक्शन के लिए जहाँ पर पिंक लिप शेड आपको लगाना अच्छा लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा मेकअप लग चुका है, आप देख सकते हैं, और मैं अपना मेकअप को फिनिश करूंगी अपनी बिंदी के साथ। सो देखा आज का मेकअप ट्यूटोरियल कितना आसान था, कितने कम मिनटों में मैंने इस मेकअप लुक को अचीव किया है और दिखने में भी काफ़ी बोल्ड और पावरफुल लग रहा है, मुझे तो काफ़ी लग रहा है। और जब भी मैं इस तरह से बोल्ड आईज वाला मेकअप लगाती हूँ ना, बिलीव मी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई फील लाइक मुझ में कोई पावर आ गई है। तो इस तरह से मेकअप मेरे लिए काम करता है और इसी तरह से मैं अपने परिवार को खुश रखती हूँ। सो आज जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा, उसे पक्का यूज़ करिएगा। ये डिस्काउंट कूपन कोड आप सिर्फ और सिर्फ पर्पल के ऐप पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि purple.com पर चल रहा है एंड ऑफ सीजन सेल, और जहां पर 67 रुपीज़ से प्रोडक्ट्स चालू है। जी हाँ, तो 67 रुपीज़ से अगर प्रोडक्ट चालू है तो अच्छी खासी आपकी सेविंग भी हो सकती है, राइट? मेकअप का मेकअप भी और सेविंग की सेविंग भी। तो एक बार आप पक्का चेक करिएगा, सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कहीं अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टिल देन, बाय।